आज सत्ता की शुरुआत हम इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर के साथ करने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई है। इस देश में मदरसों को लेकर अलग अलग तरह के विवाद उठते हैं। राजनीति से सामाजिक बहस तक मदरसों पर विचारोत्तेजक चर्चा होती है, लेकिन अब प्रयागराज के एक मदरसे से ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस मदरसे के अंदर बच्चों की पढ़ाई होनी थी, वहां नकली नोटों की छपाई हो रही थी। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और सबसे बड़ी बात, मदरसे के उस्ताद हों या मौलवी, सबने मिलकर नकली नोटों का ऐसा छपाई खाना खोला था जहां एक, दो या पांच नहीं बल्कि 18 लाख रुपए के नकली नोट छाप दिए गए। लेकिन अब इस मामले की जांच देश की खुफिया एजेंसी IB ने भी शुरू कर दी है। पुलिस ने मदरसे के मौलवी और उस्ताद के साथ जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है, सबके बारे में IB ने मदरसे में जाकर तफ्तीश की है, क्योंकि उसे शक है मामले का कनेक्शन पड़ोसी देशों या फिर किसी आतंकी संगठन से हो सकता है। लेकिन ये खबर सभी लोगों के लिए चिंता का संकेत है, क्योंकि इस वक्त प्रयागराज के बाजार में लाखों रुपए के 100-100 के नकली नोट पहुंच चुके हैं, शायद जिनकी पहचान करना भी मुश्किल है। और ये सारे नोट प्रयागराज के अतरसुईया इलाके में मौजूद जामिया हबीबिया नाम के मदरसे में छापे गए हैं। अब हम आपको उस मौलवी और उस्ताद से भी मिलवाते हैं जो नकली नोटों के उस्ताद बनकर ये पूरा काम कर रहे थे। पहला नाम 25 साल का मोहम्मद तफसीरुल, जिसने मौलवी की पढ़ाई के बाद आलिम की डिग्री ली, इस मदरसे में प्रिंसिपल का पद लिया और यहां वो नकली नोट छापने का मास्टर बन गया। 23 साल का जाहिर खान, इसने भी मदरसे से आलिम की डिग्री ली, मदरसे में ही उस्ताद यानी टीचर बन गया, लेकिन असल में ये नकली नोट छापने का गुरु निकला। 18 वर्ष का मोहम्मद अफजल, जिसे इस मदरसे में इन नकली नोटों को बाजार में चलाने के लिए रखा गया था। और आखिरी नाम 18 साल का मोहम्मद शाहिद, जो मदरसे में मौलवी बनने के लिए आया था लेकिन नकली नोट छापने वाले इस नेटवर्क से जुड़ गया। सोचिए, जिन मदरसों को तालीम का केंद्र माना जाता है, उन मदरसों में इन लोगों ने मिलकर नकली नोट का छपाई खाना खोल दिया था। मदरसे के अंदर नकली नोट छापने की ये फैक्ट्री कैसे खुली और किस प्लानिंग के साथ मौलवी और उस्ताद काम कर रहे थे, उस पैटर्न को भी समझिए। आरोपी जानते थे कि 500 रुपए का नोट लेने से पहले दुकानदार कई बार उसे देखता है, इसीलिए सभी ने मिलकर प्लान बनाया कि मदरसे में सिर्फ 100-100 के ही नकली नोट छापे जाएंगे। नकली नोटों को छापने के बाद अफजल और शाहिद बाकायदा ट्रायल के लिए बाजार में जाते थे और इनका टारगेट बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन जैसी जगह थी जहां अक्सर लोग जल्दबाजी में रहते हैं और असली या नकली नोट पहचानना जरूरी नहीं समझते हैं। नकली नोट एकदम असली जैसा है, इसे चेक करने के लिए ये लोग बाजार में नकली नोट से छोटे छोटे सामान खरीदने जाते थे और जब इस बात की तसल्ली हो जाती थी कि नकली नोट की पहचान नहीं हो रही है तो फिर इनकी सप्लाई आगे की जाती थी। पुलिस के अनुसार मदरसे में नकली नोट छापने वाले ये आरोपी 100 रुपए के एक असली नोट के बदले 100 के 3 नकली नोट देते थे। सोचिए, मदरसे के अंदर नकली नोट छापे गए, उन्हें बाजार में ट्रायल के लिए लाया गया और अब न जाने कितने नकली नोट इस वक्त लोगों के पास पहुंच गए होंगे। इसे नकली नोट वाले नंबर गेम से भी समझिए। पुलिस के अनुसार मदरसे के मौलवी और उस्ताद मिलकर रोज 20,000 रुपए के नोट छापते थे। इस हिसाब से इन लोगों ने एक महीने के अंदर 6 लाख रुपए के नोट छापे। पुलिस ने बताया कि मदरसे में नकली नोट वाली फैक्ट्री 3 महीने से चलाई जा रही थी, तो 6 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से इन आरोपियों ने 3 महीने में 18 लाख रुपए के नकली नोट छाप दिए। और सोचिए, गनीमत है कि मदरसे में नकली नोट वाला छपाई खाना पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया, वरना ये मौलवी और उस्ताद अगर इसी रफ्तार से नोट छापते तो एक वर्ष में 72 लाख रुपए के नोट छाप लेते, बाजार में इसकी सप्लाई भी कर सकते थे। जब पुलिस ने इस मदरसे में रेड की तो उसे क्या क्या मिला, ये भी सुन लीजिए। आरोपी आधार कार्ड वाले प्रिंटर से नोट छापने का काम करते थे, बड़ी संख्या में असली नोट के कागज जैसे पेपर भी मदरसे से जब्त किए गए हैं। नोट छापने वाली स्याही पुलिस ने यहां से बरामद की है। इसके अलावा हरे रंग का सेलो टेप भी मदरसे से मिला है, क्योंकि ये लोग असली नोट में लगे मेटालिक धागे की जगह नकली नोट में चमकीले और हरे टेप का इस्तेमाल करते थे। इस खबर पर हम अपने न्यूज मित्रों को एक न्यूज रील भी दिखाते हैं।
थाना सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 4 अभियुक्त जो हैं उसमें मोहम्मद अफजल, मोहम्मद साहिद, जाहिर खान और मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन, ये 4 लोग इन्वॉल्व थे। ये एक मदरसा जामिया हबीबिया है अतरसुइया में, और इसी में ये पूरा रैकेट चल रहा था। जो मोहम्मद तफसीरुल हैं ये इसी मदरसे के मौलवी प्रिंसिपल थे। इस मदरसे में अलग से इस प्रिंसिपल ने इनको रूम दे रखा था, वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था, और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। जो इनसे बरामद हुआ है उसमें 1300 रुपीज़ डिनोमिनेशन के फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं वो मिले हैं। उसके साथ साथ 234 जो पेजेस मिले हैं जिन पे इन्होंने ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट कर रखे थे। जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि पिछले 3-4 महीने से ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं ये बना रहे थे, और इनके द्वारा मार्केट में जो इंडियन करेंसी ओरिजिनल करेंसी है उसमें जो अभी हमें पकड़ा तो ये एक डील कर रहे थे कि 15,000 में ये 45,000 के फेक इंडियन करेंसी नोट प्रोवाइड कर रहे थे। अब इस खबर का नजरिया 9। वैसे मदरसे पढ़ाई के लिए बने होते हैं। देश में ऐसे कई मदरसे मौजूद हैं जहां छात्रों को अच्छी तालीम दी जाती है। मौलाना और मौलवी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन मोहम्मद तफसीरुल, जाहिर, अफजल और शाहिद जैसे लोगों की वजह से मदरसों की कार्यशैली हमेशा सियासत के साथ समाज और सोशल मीडिया तक विमर्श का विषय बन जाती है।